बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आलू की खट्टी कटलस। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगी। खट्टी पोटैटो कटलस बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड पोटैटो, सब्ज़ मिर्चें, पिसा हुआ अनारदाना, चॉप किया हुआ प्याज और पुदीना। अनारदाने को अच्छी तरह से पीस लेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। साथ ही में हमने जो पीसा हुआ अनारदाना रखा हुआ है उसे भी शामिल कर लेंगे। साथ ही चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और चॉप किया हुआ पुदीना, इसे भी ऐड कर लेंगे। एक चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, एक चम्मच नमक, सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया, इसे ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने कटलस फ्राई करने के लिए एक अंडा लिया है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसे फेंट कर इसमें हम बेसन मिक्स करेंगे। हाफ कप मैंने बेसन का लिया है। सबसे पहले अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है, इसके बाद फिर हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन ऐड करने के साथ हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने मीडियम साइज की कटलस तैयार की हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार सी खट्टी पोटैटो कटलस तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप सब इसे लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।